particular video we are going to learn about the interruption of capacitive circuit see there are uh, many conditions that uh, in a power system uh, if we are using capacitor banks that are used in the network which supplies reactive power and that reactive power which is fading at lead, leading reactive uh, leading power factor fine so there are various conditions such as opening a long transmission line on no load or disconnecting a capacitor bank etc. In which it is required to interrupt the capacitive current, which is a difficult task for the circuit breakers. Okay, so uh, uh, what will be the effect on circuit breaker and how restriking happens in this particular uh, interruption of capacitive currents that we are going to see in this lecture. So uh, there are another cause of excessive voltage transient is interruption of capacitive currents. Okay. सो so, वेर uh, ये कैपेसिटिव करंट जो है वो कहां से आ रहा है वेर दिस कैपेसिटिव करंट्स विल बी देयर सो इन केस ऑफ अनलोडेड लाइंस देखिए कहां कहां होता है सबसे -सब पहले तो मैंने बताया कि कैपेसिटिव बैंक में जब आपको रिएक्टिव पावर फाइड करना होता है तभी ये जो होगा कैपेसिटिव बैंक में होगा ठीक है उसके बाद जो है वो है अनलोडेड लाइन्स में अनलोडेड लाइन्स में सी अनलोडेड लाइन यानी कि अगर मैं हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन से कर लूँ तो हमें पता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के अंदर जो भी चार्जिंग करंट है वो चार्जिंग करंट अप टू टेन एमपियर होता है बहुत ज़्यादा होता है ठीक है चार्जिंग करंट क्या होता है टेन एमपियर uh, जितना हो सकता है और बिकॉज ऑफ द फेरेंट इफेक्ट दैट वी नो फेरेंट इफेक्ट फाइन फेरेंट इफेक्ट जनरली जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए ही वहाँ पर होती है उसके बाद जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स क्या होता है अंडरग्राउंड केबल्स सो अंडरग्राउंड केबल सॉरी अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है इट विल हैव मोर कैपेसिटिव सी अंडरग्राउंड केबल्स जो इट विल हैव अ मोर कैपेसिटन्स कम्पेयर टू ट्रांसमिशन लाइन देट वी ऑल नो फाइन जो भी हम अंडरग्राउंड केबल जब भी हम जो लेआउट उसका जो बनाते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चार्जिंग करंट और उसके बाद जो कैपेसिटेंस जो है उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ता है हमें ठीक है सो इट विल हैव मोर कैपेसिटेंस कम्पेयर टू ट्रांसमिशन लाइन और वहाँ पे जो चार्जिंग करंट होता है वो Uh, कितना होता है बहुत ही ज्यादा होता है अगर आप अनलोडेड लाइन्स ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वहाँ टेन एमपियर्स जितना चार्जिंग करंट होता है और अंडरग्राउंड केबल के अंदर हंड्रेड एम्पियर जितना चार्जिंग करंट वहां पर होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में वैल्यू हो चुकी है और अगर मैं बात करूं कैपेसिटर बैंक की तो कैपेसिटर बैंक के अंदर चार्जिंग करंट जो होता है ना वो होता है वन फोर डबल जीरो एम्पियर तो वो बहुत ज्यादा है सो लेट अस एज्यूम द सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर द स्विचिंग एंड सी स्विचिंग यानी कि ऑन एंड ऑफ Fine, only for the devices. So we can say this is the capacitor which is at stray and this capacitor is being disconnected. Capacitor is being disconnected. जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो भी लाइंस है उसको हमें जो है ऑफ़ करना है या फिर कैपेसिटर बैंक्स जो उसका सहारा लेना है तो वहाँ पे ये चार्जिंग करंट जो है यानी कि ये जो कैपेसिटिव करंट जो है उसको इंटरप्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और वो डिफ़िकल्ट टास्क है ठीक है so, सो यहाँ पर मैंने देखा ये है इंडक्टर एल और ये है कैपेसिटर सी अप टू सर्किट ब्रेकर ओके इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर अप टू दी सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट दिस कॉन्टेक्ट एंड फॉर कैपेसिटिव लोड द करंट लीड बाई नाइन्टी डिग्री दैट यू एल नो कैपेसिटिव जो भी करंट होगा वो क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री किस में होगा लीड होगा ये वोल्टेज है तो ये अपना करंट हो जाएगा ठीक है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में बात करूँ सो इफ आई ऑन दर्किट ब्रेकर ओके सी यहाँ पे ये आपको ये सर्किट ब्रेकर जो दिख रहा है यहाँ दिखा रहा हूँ ये सर्किट ब्रेकर उसके कॉन्टैक्ट ये है ये हो गया मान लीजिए ये एक कॉन्टैक्ट हो गया कोई फिक्स कॉन्टेक्ट या फिर ये हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट ठीक है

सो इट विल एक्सचेंज यूज दर कैट नेचुरल करंट जीरो एट द इंस्टेंट ईवन यहां पर ठीक है यहां तक जो है वो सिस्टम वोल्टेज मिल रहा है तो ये दूसरा जो कैपेसिटर है ये दूसरा कैपेसिटर वो दूसरा कैपेसिटर जो है वो सिस्टम वोल्टेज के थ्रू चार्ज होता रहेगा अप टू तो दिस टाइम अप टू तो दिस टाइम ओके सी अगेन आई एम रिपीटिंग एट द इंस्टेंट वैन इट इज स्विचिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्स अप टू तो दिस टीवन सो अप टू दैट इंस्टेंट करंट is passing so automatically this second capacitor charge to the supply voltage that means capacitor is followed system voltage so when circuit breaker is disconnected both side having the maximum value of यहाँ वगैरह देखे ये पहले close condition में था ठीक है पहले जो है वो close condition में था तो जितना ये supply voltage इस तरह से मिल रहा है ये इसको मिल रहा है ये भी इसको मिल रहा है यानी कि अगर ये capacitor प्लस वीएम वोल्टेज से चार्ज हो रहा है तो यहां पे भी ये प्लस वीएम वोल्टेज से चार्ज होगा ना अगर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है तो उसके बाद इस कैपेसिटर के पास वो ट्रैप्ड वोल्टेज रहेगा क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू हमें पता है कि क्या है वो वोल्टेज को स्टोर करेगा अपने पास तो यहां पर जो वोल्टेज रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस वीएम इसके पास भी हो जाएगा प्लस वीएम होगा कि नहीं तो अगर ये दोनों का डिफरेंस मैं लो तो डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो वहां पे या इस डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो की वजह से इसके बीच में कोई आर्क वहां पे बनेगा ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पर करंट फ्लो होने का कोई भी चांस नहीं है हमें पता है कि करंट फ्लो कराने के लिए देर हैज टू बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉन्टेक्ट्स फाइन अगर वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा ठीक है So, both side, यहां पे भी और यहां पर भी दोनों साइड क्या हो जाएगा प्लस वी एम जो है वो आपका वोल्टेज होगा सो दट वाई नो आर्किंग फिनोमिना हैपन दैट वी मैक्सिमम इज स्टोर्ड दिस पर्टिकुलर वी मैक्सम इज स्टोर्ड सेकंड साइड विल बी स्टोर्ड एज इट इज एज दिस सप्लाई वोल्टेज ओके दिस सप्लाई वोल्टेज इज फीडिंग दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर ओके सो फर्स्ट so केस में क्या इनिशियल स्टेज में ये जो लोड कैपेसिटेंस है तो वो उसका तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो मान लीजिए ये टीवन पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर इस पॉइंट पे आपका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा वोल्टेज वी प्लस वीएम कितना होगा प्लस वीएम सो लेट इज अज्यूम दैट देर इज नो डिस्चार्ज अगर डिस्चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरह से इस तरह से मूव करेगा इस तरह से कुछ मूव करेगा ठीक है देखिए अप टू दिस सेकंड इंस्टेंट ये पॉजिटिव हो गया ना अप टू दिस इंस्टेंट तो यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया अभी देखिए सी हमने एज्यूम किया है दैट देर इज नो डिस्चार्ज इन फर्स्ट कंडीशन सो अगेन इन एट दिस टाइम टी टू एट दिस सप्लाई वोल्टेज इज चेंजिंग आप देख रहे यहां पे सप्लाई वोल्टेज ये पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है देखिए ये अगर वोल्टेज है तो ये हो गया अपना प्लस और ये हो पॉजिटिव और ये अपना हो गया नेगेटिव तो यहां से यहां ये देखिए पॉजिटिव है और लेकिन यह नेगेटिव है सो द डिफरेंस इन वैल्यू इज देर देखिए ये हो गया अपना प्लस vm ठीक है और यहां पे हो गया ये अपना माइनस वीएम हो गया तो

That it will reach up to two times of the normal value. So difference is here is two vm. Difference कितना है, two vm है. So, it will reach up to four vm. कितना हो जाएगा? Four vm. यानी कि अपने पास देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कुछ दिखाऊँ तो ये difference जो हो जाएगा ना इस तरह से कुछ होगा ये पर्टिकुलर point ये पे ये हो जाएगा ये होगा माइनस थ्री वी एम देखिए ये अभी आप समझ लीजिए मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज के अंदर आ, जो है वो बताता हूँ कि किस तरह से ये चेंज होता है ठीक है अभी देखिए आगे क्या होगा अगेन सप्लाई वोल्टेज इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ओके सो लेटेस्ट देखिए यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है सो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा प्लस वी एम और यहाँ पे ये हो गया माइनस वी एम तो ये अप टू थ्री टाइम्स हो गया टू uh, टाइम्स हो गया तो यहाँ पे जो भी जो भी वैल्यू है कुछ इस तरह से बढ़ेगी उसके बाद थर्ड इंस्टेंट पे जो वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि थर्ड इंस्टेंट पे आप देखिए ये तो हो गया पॉजिटिव ये पॉजिटिव है सो so, ये वहां से भी ज्यादा तो मान लीजिए कोई फाइव ई एम है ठीक है तो कंटिन्यूसली ये जो है चेंज होता रहेगा देखिए किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे किस तरह से इंटरप्शन जो है वो होता है देखिए सप्लाई वोल्टेज इज कंटिन्यूसली चेंजिंग सो लेट इस टेक द इंस्टेंट टी वन ये जो टी वन इंस्टेंट है यहाँ पे मैंने अभी कंसिडर करा हूँ सो व्हाट विल बी द सप्लाई वोल्टेज एट दिस पर्टिकुलर टी वन दैट इज वी ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना ब्लू लाइन की वही है ना ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ पे मेरे पास ठीक है so, सो यहाँ पे ये प्लस वी एम होने के कारण और एज सर्किट ब्रेकर इज क्लोज अप टू दिस इंस्टेंट सो ऑटोमेटिकली धिस कपैसिटर चार्ज ये जो ये जो कैपैसिटर दूसरा कैपेट है ये लोड कैपेसिटर है यह अपना जो लाइन कैपेसिटर है ठीक है ना सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेट इस पर जो है वो अपना लोड कैपेटर है सो ऑटोमेटिकली धिस पर्टिकुलर कैपेसिटर चार्ज टू समेज प्लस वी एम Vm. यहाँ पे तो प्लस वी एम है ही लेकिन अभी सर्किट ब्रेकर क्या क्या है Close है क्लोज तो तो उस कंडीशन में ये भी Vm होगा ये भी Vm होगा तो वहाँ पे ओपन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बट इन केस ऑफ सेकंड केस अगर मैं करूं सेकंड केस के अंदर सो ऑलरेडी चार्ज प्लस वीएम सेकेंड केस में क्या होगा यहां पे ये जो कैपेसिटर है वो तो ऑलरेडी चार्ज है ये ये जो भी वोल्टेज से चार्ज है उसे हम बोलते हैं ट्रैप्ड वोल्टेज क्या बोलते हैं ट्रैप्ड वोल्टेज ओके टू नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा ये कैपेसिटर तो चार्ज ही रहेगा क्योंकि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट पहले क्लोज थे तो दोनों के दोनों के पास प्लस वे वोल्टेज था ना ठीक है लेकिन अभी सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट ओपन हो चुके हैं तो यहां पे यहां पे क्या हो जाएगा कुछ डिफरेंस आएगा और यहां पे तो ये कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा वो तो चार्ज ही रहेगा ये ट्रैप वोल्टेज से ठीक है अगर ये तीसरे केस में देखू एट द इंस्टेंट इवन देखिए यहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है मैक्सिम वैल्यू है और कुछ ये इस तरह से आएगा तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने इस तरह से दिखा दिया पर्टिकुलर अब ये इंस्टेंट टी टू पर पहुंच चुका है तो केस थर्ड एट द इंस्टेंट टी टू ये टी टू केस पे ठीक है सो ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा सर्किट ब्रेकर आपका आइसोलेट हो चुका है सो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर माइनस वी एम इज रिमेन एट द सिस्टम वोल्टेज एट टाइम टी टू आई रिपीट एट द इंस्टेंट टी टू सर्किट ब्रेकर इज आइसोलेटेड सो ऑटोमेटिकली दिस माइनस वी एम इज रिमेन एट सिस्टम वोल्टेज एंड एट टाइम टी टू योर सिस्टम वोल्टेज इज वॉट माइनस वी एम

डबल द वोल्टेज अप्लाइड सर्क्यू बेकर वोल्टेज है वो मीडियम की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है रिस्ट्राइकिंग so वोल्टेज की स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए तो आपका आर्क वोल्टेज जो है वो वैनिश हो जाएगा आपका जो आर्क है वो वैनिश हो जाएगा लेकिन अगर ये डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज से कम है ठीक है तो फिर जो है वहां पे आपको कॉन्सिक्वेंसिस फेस करने होंगे ठीक है सो लेट इज रजूम दैट द सर्किट ब्रेकर्स मीडियम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मोर देन दिस पर्टिकुलर टू वी एम दिस पर्टिकुलर टू एम वैल्यू सो देन देर विल बी नो इश्यू बट इफ दिस इज नॉट देन आर्क विल रिस्ट्राइक एंड दैट रिस्ट्राइक दैट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज विल रीच अप टू टू टाइम्स द वैल्यू यानी कि टू प्लस टू दैट विल गिव यू द दोर टाइम्स ऑफ वी एम फोर टाइम्स ऑफ वी एम दैट मीनस

फोर वी क्योंकि यहां पर ऑलरेडी टू वी तो मिल रहा है लेकिन रिस्ट्राइक रिस्ट्राइकिंग होने की वजह से आपको मिल रहा है अभी टू टाइम्स टाइम वी एम सो बिकॉज ऑलरेडी वी एम इज देर ट्रैप चार्जिस सो इन ऑर्डर टू गेट फोर वी एम डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉन्टेक्ट दिस पॉइंट ओके आई देखिए यहां पे ये फोर वी एम हो गया अभी ये माइनस वी हो गया तो यहां पे कितना चार्ज लगेगा ये लगेगा माइनस थ्री वी कितना हो गया सो ऑटोमेटिकली दिस साइड वोल्टेज चेंजेस टू माइनस थ्री वी कितना हो जाएगा माइनस थ्री वीएम तो ये देखिए यहां पे मैंने दिखाया ये हो थ्री वी एम सो वेन दिस माइनस थ्री वी एम

माइनस थ्री जो है ना वो पूरा का पूरा ये जो है इस कैपेसिटर के पास जाएगा और ये हो जाएगा थ्री चार्ज हो जाएगा सो so this, uh, this, uh, this capacitor इज instantly एंड दिस 3 इज इंस्टेंटली चार्ज टू थ्री वी एम ओके यहां पे ये जो है सिस्टम वोल्टेज यहां पे मिल, मिल जाएगा इस केस में यहां पे ऑलरेडी ये थ्री वी एम तक चार्ज है ठीक है सर्किट ब्रेकर तो ओपन का आइसोलेट हो चुके तो अभी इसके पास ये कैपेसिटर के पास सिस्टम वोल्टेज है इस इस कैपेसिटर के पास थ्री वी एम है ठीक है आफ्टर इंटरप्शन की बात कर रहा हूं ठीक है तो यहां पे आप जो है कंपेयर मत कीजिएगा सप्लाई करंट से डोंट कंपेयर विद द सप्लाई करंट हियर बिकॉज करंट इज नॉट हियर नॉट हियर ओके सो हियर द करंट इज सर्कुलेटिंग अमंग दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर एंड दिस पर्टिकुलर एल एनसी दिस सर्किट ओके सो द करंट विल बी पास्ट ओके बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी करंट सी यहाँ पे करंट जो होगा करंट विल बी पासिंग विल बी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट वहां पर सो हाई फ्रिक्वेंसी करंट कंपोनेंट विल बी आउट इन वेरी फास्ट रेट विच विल ऑसोलेटेट योर नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑसोल्यूशन सो इट वी नो दैट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी इट इज इट विल मेनी मोर टाइम्स ग्रेटर देन दूर सप्लाई फ्रीक्वेंसी दैट्स वाई वंस दिस कैपेसिटर इज चार्ज टू माइनस थ्री एम बोथ साइड वोल्टेज इज सेम सो सर्किल आइसोलेट दी आर्क ओके सो वंस देखिए पे भी लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पे सिस्टम वोल्टेज आ जाएगा. So, gone, 3M गया ना लेकिन ये सिस्टम वोल्टेज क्या हो जाएगा uh, ये साइड कैपेसिटर क्या हो गया सिस्टम वोल्टेज हो गया ठीक है सिस्टम वोल्टेज पर चार्ज हो रहा हो रहा है यहाँ पे तो क्या होगा कि अगेन आफ्टर सम टाइम ये देखिए ये तो अभी सिस्टम वोल्टेज है ये थ्री थ्री वी है तो यहां पर यह सिस्टम वोल्टेज कितना है प्लस वी हो गया ना तो यहाँ पे जो डिफरेंस चाहिए वो मुझे क्या चाहिए मतलब कितना हो गया ये फोर वी एम होगा ना ये प्लस ये तो ये हो जाएगा ना फोर वीएम ठीक है अगर ये फोर वीएम है तो यहां से अगर मैं अगर ये फोर प्लस वी एम मुझे कितना डिफरेंस चाहिए ये तो थ्री है ही कितना चाहिए चार प्लस एक यानी कि पाँच तो यहां पर मैंने लिख दिया फाइ वीएम तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के जो भी बीच में जो भी स्टॉक होगा वो कितना होगा फाइव सो अगेन आफ्टर सम टाइम एट टाइम्स टी थ्री अगर मैं ये टी थ्री टाइम देखू ठीक है सो वोल्टेज रिचेज टू प्लस वी एम so one side of the circuit breaker is will be plus Vm another side is minus 3Vm that will give you 4Vm and the 4Vm is applied across the contacts of the circuit breaker again and it will restrike two times so two times यानी कि ये four हो गया तो so four times यानी कि अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा eight times हो जाएगा एट टाइम्स फाइव थ्री टोटल एट टाइम्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा जो भी ट्रांसजेंट होगा वो एट टाइम्स के बीच में जो है इतना करेगा सो right? okay? so, ये कैपेसिटिव करंट जो इसको ब्रेक जो करते वक्त जो काफी हद तक जो है वो ध्यान रखना पड़ता है उसके बाद अगर मैं देखो तो देखिए जो भी मैंने अभी ये थियरी में समझाया वो इस आ, पर्टिकुलर जो है वो ब्लॉक में मैंने दिखा दिया है सो वी कैन से दैट अगर टाइम टीवन है इंस्टेंट टीवन पे सिस्टम वोल्टेज आपका कितना है प्लस वी एम और जो भी ट्रैप कैपेसिटर मतलब जो लोड साइड का कैपेसिटर है उसमें मतलब क्या है लोड कैपेसिटर सो उसमें भी प्लस वी एम तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कितना होगा स्टेप जीरो और बाकी जो पीक वैल्यू जो है रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज की डिरेक्शन है स्टेप वोल्टेज की सब क्या हो जाएगी कुछ नहीं वहाँ पर Uh, कुछ नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे है ही नहीं उसके बाद आफ्टर टी टू टाइम यानी कि दस मिली सेकंड के बाद अगर सिस्टम वोल्टेज जो आपका चेंज हो रहा है प्लस वीएम से माइनस वीएम हो रहा है सो एट टी टू आफ्टर टेन सिस्टम वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू माइनस वीएम दैन द ट्रैप वोल्टेज इज प्लस वीएम ओके बिकॉज ऑफ डिफरेंस देखिए यहां पे प्लस प्लस वी थे लेकिन यहां ये सिस्टम वोल्टेज तो चेंज हो रहा है ना लेकिन जो भी कैपेसिटर लोड कैपेसिटर के पास जो भी वोल्टेज था वो तो प्लस वी क्रिएट तो हुआ वो डिफरेंस की वजह से यहां पे जो भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा वो टू एम होगा ये टू एम है ठीक है सो द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज वॉट टू टाइम्स दिस पर्टिकुलर स्टेप स्टेप वोल्टेज तो यहां पे कितना आएगा पिक वैल्यू ऑफ द रिस्ट्राइंगेज फोर वी एम सो ऑफ द सिस्टम वोल्टेज कैन स्टैंड दिस पर्टिकुलर आर्क वोल्टेज देन

माइनस थ्री वी एम सो दार्ज टू माइनस थ्री वी एम ओके दो ये यहाँ पे जो इनिशियल चार्ज था वो क्या था प्लस और ये ये सिस्टम बोल्टेजा माइनस टू और माइनस वी एम दैट विल गिव यू माइनस थ्री वी अगेन आप देखिए के ट्वेंटी मिली सेकेंड के बाद तो ये प्लस वीएम हो गया ना अभी ये साइकिल चेंज हो रही है पहले प्लस था प्लस माइनस फिर से प्लस ये हो गया ना तो प्लस वीएम है लेकिन अभी जो कैपेसिटर uh, आपका चार्ट था वो कितना था तो ये देखिए यही होगा ना तो यही मैंने यहां पे लिख दिया माइनस थ्री वी तो अभी क्या हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा ना फोर वीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा फोर वी तो यहां पे टोटल ये फोर ये टोटल फोर और तो लेफ्ट हैंड साइड स्विंग कितना होगा फाइव एम तो अभी आपको ये एट मिलेगा ना फाइव और ये थ्री तो टोटल हो जाएगा एट तो फाइव एम का जो है वो वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है राइट हैंड साइड ओके उसके बाद देखिए माइनस वी एम तो उसके बाद ये अगेन ये फाइव वी एम यहाँ पे उसके बाद ये पाँच और ये एक और ये छः हो गया उसके बाद ये देखिए वी एम माइनस सेवन माइनस एट तो सिक्सटीन हो गया नाइन और टेन तो ये हो जाएगा अपना और ये माइनस वी एम सो कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो है वो आपका वोल्टेज जो वो काफ़ी हद तक जो है वो स्विंग होता रहता है तो ये इफेक्ट uh, हो गई अपनी कैपेसिटिव इंटरप्शन टेक्निक ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दप्शन ऑफ कैपेसिटिव करंट थैंक यू